हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मैं मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और वो है ब्रेड एंड चाय। आज सिंपल सी है तो मैंने घी में थोड़ा सा तवा में मैंने फ्राई कर लिया था ब्रेड को, वही मैं खा रही हूँ। तो बने रही ये ब्लॉग में, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन भर मैं क्या करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों बहुत ही यम्मी और गर्मा गर्म है, तो चलिए आप सब भी कीजिए नाश्ता हमारे साथ, मज़ा आ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी नाश्ता होना चाहिए। हम लोग डेली परोठा पूरी खाते ही हैं, कभी कभी ऐसा भी ठीक लगता है कि कुछ गर्मा गर्म ब्रेड हो। और ये जो ब्रेड है ना, ये मैंने खुद काटा है, बिल्कुल साबुत पीसेस होते, मतलब पीस होते हैं, पीस कटे हुए नहीं होते हैं। और थोड़ी सी मिठास ज़्यादा है, बहुत ही यम्मी है। हम लोग ये लोकल का यहाँ से ही, हम लोग लोकल स्टोर से ले लेते हैं। और अदरक वाली चाय जो होती है, जिंजर टी, तो आप जानते हैं मैं वही पसंद करती हूँ। थोड़ी बहुत पेपर भी डाली हुई है, गोल मरीच पाउडर, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी खांसी में भी, ठंडी में काम आते हैं, नहीं होते हैं फिर। तो चलिए खा के फिर मुझे आज निकलना है दोस्तों। मैं चिकन करी आज दिखाऊंगी आप सबको, लेकिन लास्ट में होगी। मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए आप सब। और अभी मैं फटाफट से नाश्ता खाने के बाद तैयार हो जाऊंगी, फिर निकल जाऊंगी। मुझे बैंक में भी जाना है, थोड़ा सा बिंदी वगैरह भी मुझे लेना है। तो बिंदी ख़त्म हो चुकी है मेरी, तो ही निकलूँगी अभी। तो चलिए ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुकी हूँ। थोड़ा सा बिंदी और लिपस्टिक पहन लूँगी, तो पहन के फिर बस निकलूँगी। थोड़ा सा बैंक जाऊँगी, थोड़ा सा मार्केट में भी जाऊँगी, तो देखती हूँ कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा खरीदना है ना, तो वही देखती हूँ क्या लूँगी नहीं लूँगी पता नहीं। तो अभी गाड़ी के लिए वेट कर रही हूँ मैं। मेरी डॉग, जो डॉग है वो डॉग मेरे सामने, मतलब वो कह रहे कि मैं बाहर जा रही हूँ, वो भी जाएगा मेरे साथ में, तो यहाँ पे रो रहे हैं। तो मैं अभी गाड़ी में बैठ गई हूँ, तो अभी निकल के छोड़ दिया है गाड़ी, तो कहाँ तक पहुँच जाऊँगी पता नहीं, बैंक में कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मुझे जमीन में भी जाना है। तो बैंक को मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती, तो मैं फटाफट से मैं अगर वापस आऊँगी तो शूट करूँगी। और थोड़ा सा देखती हूँ, मुझे भिंडी वगैरह लेना है वहाँ का, मैं पूछूँगी कि वीडियो करने देंगे कि नहीं, बहुत कोई नहीं देते हैं इस वजह से नहीं दिखा पाती हूँ। तो दोस्तों मैंने भिंडी वगैरह ले ली है, मैं घर में जाके आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए अभी चलती हूँ ज़मीन के वहाँ पे, वहाँ पे हस्बैंड काम कर रहे हैं और जो लेबर लोग भी काम पर जुटे हुए हैं, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। वहाँ से होके डायरेक्टली फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे काम अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सारा काम हमारे आगे बढ़ चुके हैं। हस्बैंड उन लोग साथ में कुछ कुछ कर रहे हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे इतने धूप में आने की क्या ज़रूरत है, घर में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन पर काम हो तो आपका मन नहीं मानता है, तो इसलिए हम मैं जा चली जाती हूँ, सुबह शाम हमेशा जाती हूँ। तो वही देखती हूँ, अच्छा लगता है घर में बैठ के, आप टीवी देखोगे या तो मोबाइल यूज़ करोगे, बस यही करोगे, तो मैं चली जाती हूँ वहाँ, अच्छा लगता है। थोड़ा सा खुला एरिया है और काम जब हो रहे हैं तो यहीं हम लोग चाय वगैरह भी बना के बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, एक दो बार दिन में दो बार खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बहुत सारा काम आगे हो चुका है, अभी इसके ऊपर में बीम चढ़ेंगे, बीम बनने के बाद में फिर ईटा से जो होगा बाउंड्री होगा। तो हमें बहुत ऊंचा से घर बनाना है, इसलिए हमने पत्थर की जो वॉल बहुत बना दी है। तो चलिए दोस्तों घर चलते हैं, अब घर चलते चिकन का दिखाऊँगी करी, तो बने रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा आप सब, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी यहाँ जो मुर्गियाँ देखिए बगान में, अभी मैं दाना देके गई थी, इसमें चापड़ और थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी पके हुए चावल में मैंने मिक्स करके, मैं थोड़ी सी पानी से मैं करके देती हूँ, उन लोग खा लेते हैं, खाते रहते हैं, तो वही खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और भी हैं, तो मैं वो बाद में कभी शेयर करूँगी। और ये है जो हमारी जो बिंदी मैं लेके आई हूँ, मैं बोल रही थी आप सबसे, तो चार पांच पैकेट मैंने खसरी बिंदी लिया है और कुछ लिया नहीं है। और जो शॉप का आदमी है उन्होंने वीडियो करने से मना कर दिया, इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा पाई उनके शॉप का, तो सिर्फ बिंदी आप सबसे शेयर कर रही हूँ जो बिंदी मैंने लिया है।
तो चार पांच पैकेट मैंने बिंदी ली है, रकम रकम के लिए है, मुझे बहुत पसंद आते हैं बिंदियाँ। तो बहुत लेट भी हो चुकी हूँ, हस्बैंड भी बोल रहे थे मैं जल्दी आ रहा हूँ खाने के लिए, आप जल्दी से खाना वगैरह पका लो। तो चावल बन चुके हैं तो फटाफट से चिकन बना लूँगी मैं, कपड़े को चेंज कर लेती हूँ दोस्तों, चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं, बना लेती हूँ अभी आके। अभी मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है तो चिकन अभी बनाऊँगी, तो चिकन बना के फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ा सा पालक साग भी है तो इसको भी गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चिकन को एक ही साथ में, प्याज चिकन और हरी मिर्च को एक साथ में मैं मैरिनेट करके रखी हुई थी पहले से ही। तो मैं डायरेक्टली मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के फिर मैं इसमें चिकन दे दी हूँ, तो क्योंकि चिकन आपका थोड़ा सा मैरिनेट हो जाता है तो अच्छे लगते हैं। थोड़ी बहुत हल्दी मैंने नमक दी थी, थोड़ी सी ऑयल बस। तो फटाफट चिकन फ्राई होते रहेंगे, तो थोड़ा सा दूसरा काम भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो हमारी अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ और इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से थोड़ा सा हिला लेना है और थोड़ा सा दे दूँगी पेपर जो गोल मिर्च पाउडर। तो मुझे सिर्फ सूखा सूखा फ्राई करना है दोस्तों, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जो चिकन के जूसेज हैं और टमाटर के जूसेज होंगे उसी से पक जाएंगे हमारे चिकन। ऑलमोस्ट 1 किलो चिकन है, मैंने आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब मैं इसमें दे दे रही स्वाद के अनुसार नमक, और मैंने टमाटर भी डाल दिया था, स्किप हो गया दोस्तों, तो टमाटर मैंने डाल दिया है। आप अच्छे से कवर कर करके मैं तो मीडियम आंच पर मैं पकाती रहूँगी अच्छे से, जब तक कि जूस निकल ना जाए तब तक मैं ढक के कवर करके पकाऊँगी। तो देखिए अच्छा सा कलर आ चुके हैं और फ्राई फ्राई भी हो चुके हैं, तो जूसेज भी निकलते रहेंगी। थोड़ा सा मैं अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दी हूँ, ये मैंने पीसा हुआ नहीं है, ये जो पैकेट में मिलते हैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने वही ऐड किया क्योंकि अभी पीसने का टाइम नहीं है, भूख भी लगी हुई है और थक भी गई हूँ ऊपर से। तो मैं टमाटर अभी डाल दे रही हूँ इसमें, तो अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल के मैं अच्छे से मिला के मैं कवर कर दूँगी। तो जितने चिकन के जो जूसेस है, टमाटर के जूसेस से सब बाहर आ जाएंगे, फिर हमारा चिकन अच्छे से फ्राई भी होते रहेंगे साथ में पकते भी रहेंगे। आप आए देखिए कितने सारे जूसेस निकल गए, हमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर आप ऐसे कभी झटपट अगर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, बहुत टेस्टी होती है। अब मैं एक इलायची, एक थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े और एक लौंग में डाल दूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी, इसलिए गर्म मसाला मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारी बस चिकन बन चुकी है, बॉयल भी हो चुकी है, फ्राई भी खत्म हो चुकी है। थोड़ा देर और कवर करके मैं 5 से 10 मिनट रखूँगी। तो देखिए हमारा जो है पानी बिल्कुल सूख गया और जो ऑयल है वो ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हमारे जो चिकन है बिल्कुल पक चुके हैं दोस्तों। तो चलिए चिकन तो हमारी रेडी है, अब मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी, बस ऐड करके मैं इसको स्टैंडिंग टाइम दे दूँगी थोड़े से 5 से 10 मिनट तक। तो बहुत ही लाजवाब बनी थी, झटपट बनने वाली जो चिकन होती है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी एंड यमी होती है। मेरे को तो भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है, हस्बैंड भी बस आ रहे हैं, फ़ोन किया था तो मैंने हिला लिया है, हिला के मैं अभी रख दी हूँ धनिया पत्ता डाल के। तो कलर देखिए कितना सुंदर आया है ना, आप रोटी परोठा या तो चावल के साथ में गर्मा गर्म खाएं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए खा लूँगी, थाली वगैरह कटोरी वगैरह ले लेती हूँ, मैं अभी खाना शुरू कर दूँगी। हस्बैंड आ चुके हैं, नहाने गए हैं। तो चिकन अभी हमारी हो गई रेडी, तो अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चिकन तो देख के लग रही है कि बहुत अच्छी बनी है, और देखते हैं कैसा लगता है। तो थाली वगैरह मैं रख रहा हूँ, पानी वगैरह भी मैं लिए।
तो अभी भी लोगों को पीना रोना है। तो हस्बैंड जैसे आ जाते हैं नहाने के लिए आ जाते हैं, फट से उनको खाना देना पड़ता है, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी जल्दी दो क्योंकि मेहनत भी करते हैं तो भूख भी लग जाती है। ऑफिस छुट्टी ले रखी है क्योंकि काम चल रहे हैं अपना ज़मीन पर, इसलिए छुट्टी ढेर सारे छुट्टी बचे हुए हैं तो वही छुट्टी थोड़ा सा काट रहे हैं। फिर एक दिन के लिए गाँव भी जाएंगे। तो फ्रेंड अभी मैं आके चिकन वगैरह बनाई और हम सब ने खाना वाना भी खाया, तो अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, लेटूंगी, तो अभी मैं वीडियो को रखूँगी। तो आज का बस वीडियो में यहीं एंड करती हूँ और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। बाय बाय।